हाय फ्रेंड्स, ये आज मैं 3 साल से लेकर 5 साल के बच्चे के बेबी के लिए ये स्वेटर बनाई हूँ, तो ये आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए, ये जो है, ये पार्ट जो है आगे का है, ये बाजू है। पिछले वीडियो में मैंने बाजू में फंदा कैसे बढ़ाएंगे ये बता चुकी हूँ। अगर मेरी वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि इसमें फंदा कैसे बढ़ेगा बाजू में। जैसे आगे पीछे की पार्ट में तो हम एक ही सिलाई में यहाँ पर बढ़ा लेते हैं फंदा, लेकिन बाजू में फंदा हम 3-4 सिलाई बुनने के बाद हम दोनों साइड में बढ़ाते हैं। तो ये मैं क्लियर बता चुकी हूँ पहले कि इसको कैसे बढ़ाएंगे। और ये जो पार्ट है, ये पीछे का पार्ट है, ये एक और बाजू है। तो चारों पार्ट ये बन चुका है, दो बाजू और आगे पीछे का दो पार्ट। अब इसको मैं एक साथ कैसे जोड़ेंगे बिना सिलाई के, बिना सिलाई किए हुए ये चारों पार्ट एक साथ कैसे जोड़ के इसका गला बनाएंगे, ये मैं आज बताऊंगी, आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी कि कैसे ये बना हुआ है ये डिजाइन, और बाजू में फंदा कैसे बढ़ा हुआ है, तो आप देख लीजिएगा। और ये आइए, अब शुरू करती हूँ इसको बताना, तो वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए, ये थोड़ा, ये जो सिलाई है ये 10 नंबर की सिलाई है और ये बड़ी सिलाई है। तो बड़ी सिलाई लेंगे हम तभी ये चारों पार्ट एक पर आएगा, नहीं तो नहीं आ पाएगा। तो ये देखिए, पहले हम इसको, ये देखिए, ये 3 पार्ट हो गया, ये चौथा पार्ट है, ठीक है। तो पहले शुरू में हम इस बाजू को लेंगे। स्टार्टिंग में क्या करेंगे, सबसे पहले हम बाजू को लेंगे इस पर, और देखिए बाजू को हम जोड़ेंगे ऐसे। अगर आप एक कलर के डिजाइन से बनाए हुए हैं स्वेटर तो उसको भी आप डिजाइन निकालते हुए बना सकते हैं, अगर दो कलर के बनाए हैं तो उसको भी डिजाइन निकालते हुए बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ से अब उल्टा सीधा इस स्वेटर में बनाऊंगी, तो इसलिए अब यहाँ से हमारा डिजाइन ये बंद हो गया। ये देखिए, यहाँ से ये बच्चे के लिए सुंदर लगता है थोड़ा, ये इतना ही डिजाइन, तो मैं इतना ही बना के और ऊपर थोड़ा सा ये डिजाइन डाल रखी हूँ। आपके ऊपर है, आप किस तरह डालना चाहते हैं इस डिजाइन को। तो अगर पूरे स्वेटर पर इस डिजाइन को डालना चाहते हैं तो पूरे स्वेटर पर भी डालिए, और थोड़ा ही एक ही फ्लावर बनाना चाहते हैं तो उसको नीचे बॉर्डर पर दीजिए, सीने पर दीजिए, सुंदर लगेगा। देखिए कितना प्यारा ये लग रहा है, अगर बच्चा पहनेगा तो सोचिए कितना सुंदर लगेगा ये। तो ये देखिए, अब यहां पर हम इस बाजू को ये बड़े वाला सिलाई पर ले लिए, इस तरह उल्टा उल्टा बना के, ये क्योंकि पीछे का उल्टा है और सीधे का साइड ये है, तो हम उल्टे की तरफ से इसको जो ज्वाइंट करेंगे अभी। ये देखिए इस तरह, ये देखिए, ये बाजू बड़े वाला सिलाई पर ले लिया। अब इसको हम, ये देखिए, अब दूसरा पार्ट लेंगे। ये आगे का पार्ट लीजिए या पीछे का पार्ट लीजिए, बाजू के बाद हम कोई एक पार्ट लेंगे। जैसे कि इसमें मैं आगे जाके हाईनेक वाला गला बनाऊंगी, तो ये देखिए, ये पीछे का पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये देखिए, ये बाजू नहीं है, ये पीछे का पार्ट है, ठीक है। तो इसको हम फिर अभी इसके साथ हम जोड़ेंगे, इस बाजू के साथ इसको इस तरह। ये देखिए, इसके साथ अभी ये जोड़ लिए, यहां पर हम इसी के साथ बुनेंगे तो ये अपने आप जुट जाएगा। और ये देखिए, अब ये पीछे का पार्ट है तो हम इसको भी उल्टा उल्टा बुन के इसको कंप्लीट करेंगे, इसी सिलाई पर ले लेंगे सारे फंदे को ऐसे उल्टा उल्टा बुन के। ये देखिए, ये बाजू और ये पीछे का पार्ट जुट गया एक साथ, ये बड़ी वाली सिलाई पे। अब फिर हम एक ये बाजू का पार्ट लेंगे, इसके बाद बाजू वाला पार्ट लेंगे, अब इसके साथ हम जोड़ेंगे। ये देखिए, इसी तरह हम बुनेंगे तो ये अपने आप जुड़ेगा इसमें, इस धागे को हम खींच लेंगे ऐसे। ये देखिए,
इसको भी हम उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे। ये जितने फंदे हैं सारे हम इसी सिलाई पर ले लेंगे, इस तरह बाजू वाला फंदे को। ये देखिए, ये बड़ी सिलाई लेंगे तभी होगा जाके। तो ये देखिए, इस सारे फंदे को हम इस पर ले लिए। अब देखिए, ये बाजू जोड़ने के बाद हम इसको जोड़ेंगे। ये आगे वाला भाग को जोड़ेंगे इसमें, इस तरह। इसको भी हम उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे इसी तरह। ये देखिए, सारे फंदे हम इसी सिलाई पर ले लेंगे। ये देखिए, चारों भाग एक सिलाई पर आ गया। ये पहले बाजू, फिर पीछे का पार्ट, फिर बाजू, फिर आगे का पार्ट, ऐसे करके चारों को हम एक ही पर ले लिए। अब देखिए, यहां पर एक फंदा हम इसको ये सीधा बुन लिए। अब इसके बाद देखिए, यहां पर इसको हम इसी सिलाई पर ले लेंगे ऐसे करके, और इसको हम दो को एक करेंगे। यहां पर ये दो को एक कर दिए। अब यहां पर सीधे सीधे सारे फंदे बुनेंगे। ये जितने फंदे हैं इसको हम सीधे सीधे बुनेंगे ऐसे। ये देखिए, ये पूरा फंदा बुन ली सीधा सीधा। अब यहां पर ये जहां पर मैंने जोड़ी थी इस भाग को, अब यहां पर तीन फंदा पहले हम इसको देखिए, इस भाग का तीन फंदा है ये। तो पहले हम यहां पर दो को एक करेंगे ऐसे, और फिर यहां पर धागे अपने तरफ, और यहां पर एक फंदा उल्टा बुनेंगे ऐसे, फिर एक फंदा या बाजू के फंदा लेकर एक फंदा उल्टा बुनेंगे इस तरह। ये देखिए, तो यहां पर दो फंदा उल्टा हो जाएगा, बाकी हम सीधे सीधे फंदा बुनेंगे। अब यहां पर देखिए, फिर धागे हम पीछे किए और यहां पर दो को एक करेंगे ऐसे। फंदे लेकर इसी सिलाई पर चढ़ा ली, और लेकर फिर हम इसको दो को एक कर दिए इस तरह। अब फिर बाकी जो फंदा है इसको सीधा सीधा बुनेंगे ऐसे, सीधा बुन के कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, अब इसमें से भी किनारे का ये तीन फंदा बच गया यहां से यहां तक। तो पहले हम इसको दो को एक करेंगे, इधर से सिलाई को डालेंगे ऐसे ऐसे, और फिर धागे अपने तरफ, और यहां पर एक फंदा उल्टा, और फिर यहां पर भी एक फंदा उल्टा इसमें से, ये बाजू वाला जो भाग है इसमें से भी एक फंदा उल्टा। अब फिर धागे हम पीछे करेंगे, और यहां पर इस फंदे को लेकर हम इसी सिलाई पर ले लेंगे ऐसे, और इसको हम पीछे से डालेंगे ऐसे, और यहां पर दो को एक कर दिए इस तरह। यहां पर भी दो को एक करेंगे, बीच में दो फंदा उल्टा, फिर यहां पर दो को एक करना है। बाकी ये फंदे जो है इसको सारे हम सीधे सीधे बुन के कंप्लीट करेंगे यहां पर। देखिए, अब यहां भी ये सारे फंदे सीधा सीधा बुन के कंप्लीट कर ली। अब यहां पर ये लास्ट का तीन फंदा बच गया है। तो हम फिर उसी तरह यहां पर दो को एक करेंगे इधर से, और एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे यहां पर, और फिर इस वाला भाग में से एक फंदा उल्टा हो गया ये, तो यहां पर दो फंदा उल्टा हो गया सीधे की तरफ से। अब देखिए इसको, और फिर हम इस फंदे को लेकर इसी सिलाई पर इस तरह ले लेंगे सीधा करके, और यहां पर दो को एक करेंगे। ये देखिए, दो को एक कर दिए। बाकी ये फंदा जो है इसको हम सीधा सीधा बुनेंगे, सारे फंदे को सीधा सीधा बुन के कंप्लीट करेंगे इस तरह।
अब देखिए ये लास्ट का तीन फंदा बच गया, फिर हम उसी तरह इन दो को एक करेंगे ऐसे, और एक फंदा उल्टा बुनेंगे यहाँ पर। अब देखिए इसको पीछे की तरफ से, पीछे की तरफ से सारे हम उल्टे बुन के कंप्लीट करेंगे ऐसे। ये देखिए सारे फंदे को इसी तरह बुन के कंप्लीट करेंगे। इस तरह उल्टा उल्टा बुन के, ये देखिए ये पीछे के सिलाई पूरा कंप्लीट हो गया। उल्टा उल्टा बुन के पीछे के तरफ से कुछ भी नहीं करना है, बस उसी तरह बनाना है उल्टा उल्टा। और देखिए अब सीधे के तरफ आ गए। अब सीधे के तरफ फिर हम उसी तरह बनाएंगे, इस वाला फंदा को उतार लिए बिना बुने हुए, और फिर धागे पीछे ही रखेंगे और इस फंदे को लेकर इसी सिलाई पर हम लेंगे ऐसे सीधा करके, और दो को एक करना है यहाँ पर जैसे मैंने पहले बताई थी, सेम उसी तरह बनाना है। और इतना उसको बनाना है जहां तक हम मतलब बाजू का और कंधे का घट जाए, जितना आपको चाहिए बच्चे के अनुसार, और जहां गला आएगा बनाने को वहां तक हम बनाएंगे इसको। इसी तरह बनाना है, उल्टा सीधा इसमें बुनना है। और जैसे मैंने पहले बताई थी, एक बार और बता दूंगी यहां पर आगे जाके, तब तक ये सीधा सीधा ही बुनना है। इधर देखिए इसको सीधा सीधा बुन के कंप्लीट कर ली। अब फिर यहां पर लास्ट का ये तीन फंदा बच गया, तो दो फंदे को हम इस तरह दो को एक करेंगे, और फिर यहां पर एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे। अब फिर इधर वाला पार्ट से एक फंदा हम उल्टा बुन लिए। अब देखिए इसको धागे को पीछे करेंगे और फिर इसी सिलाई पर हम इसको इस फंदे को ले लेंगे सीधा करके, और फिर यहां पर भी दो को एक करना है इस तरह। अब बाकी फंदे को हम सीधा सीधा बुन के कंप्लीट करेंगे इसको। तो इसको हम इतना बनाएंगे करीब, मतलब जैसे गाला आपका जहां तक आए वहां तक हम बनाएंगे, जैसे कि 100 फंदा या 110 फंदा बच जाए पूरे ये भाग मिला के चारों, तो हम इसको बंद कर देंगे, क्योंकि वहां से हम हाई नेक वाला गाला बनाएंगे। तो उसके बाद मैं दिखाऊंगी दूसरे वीडियो में कि उसको कैसे बनाएंगे, क्योंकि एक ही साथ बताऊंगी तो बहुत लंबी ये वीडियो बन जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ ये डिजाइन आपको सबको पसंद आया होगा आप सबको। तो मेरी चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और फिर मिलती हूँ आगे के बताने के लिए कि कैसे बनाएंगे इसको।